एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन। मैं हूं उर्वशी। आज मैं आपको बताने वाली हूं डार्क नेक को वाइटन कैसे करें। डार्क नेक के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग सन एक्सपोजर, ओवरवेट, डायबिटीज, फंगल इन्फेक्शंस या फिर बॉडी के हॉर्मोन्स का चेंज होना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 इफेक्टिव रेमेडीज लेके आई हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट रेमेडी के लिए हम लेंगे पोटैटो स्टार्च। इसके लिए पहले पोटैटो का जूस बना ले और कुछ इस तरीके से स्टार्च को अलग कर ले। पोटैटो स्किन को ब्राइटन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कर्ड। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट करता है। मुल्तानी मिट्टी टैनिंग और पिगमेंटेशन को दूर करता है, स्किन से एक्सेस ऑयल, डर्ट, स्वेट एंड इम्प्यूरिटीज को भी रिमूव करता है। हमारा पैक तैयार है। उससे पहले एक बोल ले, उसमें 1 कप गुनगुना पानी ले और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करे। उसको अच्छे से मिक्स कर ले। उसमें एक कपड़े को डिप करके रख दे। एक बोल ले, उसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ले। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना मिल्क ले लिया है। अब कॉटन पैड की मदद से मैं अपने पूरे नेक को अच्छे से साफ कर लूंगी। हमारे सेकेंड स्टेप के लिए गर्म पानी से कपड़े को निकाल ले और अपने नेक पे 2 मिनट तक लगाए रखे। सॉल्ट वाटर स्किन के बैक्टीरिया, स्किन के इन्फेक्शन को दूर करता है और इससे डेड स्किन जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है और ये पोर्स को भी ओपन कर देता है। आपको इसको 2 मिनट तक अपने नेक पे लगाए रखना है। 2 मिनट के बाद अपने नेक को अच्छे से साफ कर ले। अब बारी आती है हमारे फर्स्ट पैक की। पैक को अच्छे से अपने नेक पे अप्लाई कर ले और हल्के हाथों से मसाज करें। आपको इसको 20 मिनट्स तक लगाए रखना है। 20 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर ले। हमारी सेकेंड रेमेडी के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। उसमें हम ऐड करेंगे पिंच टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून हनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कर्ड। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले। बेसन सन टैन को रिमूव करता है, स्किन को लाइटन करता है। आप इसको स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हो, ये स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। द
टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये स्किन को नेचुरल ग्लो करने में भी हेल्प करता है। हनी स्किन के बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है। ये स्किन के हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ये स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। हमारा सेकेंड पैक तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से अप्लाई करें और हल्के हाथों से मसाज करें। आपको इसको 2 मिनट तक कुछ इस तरीके से रब करते रहना है और 20 मिनट्स तक लगाए रखना है। 20 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर लें। हमारी थर्ड रेमेडी के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून कोलगेट, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 लेमन जूस। एलोवेरा जेल में विटामिन ए एंड सी होता है। ये स्किन बर्न्स को ट्रीट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। दोस्तों, कोलगेट के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, स्किन वाइटनिंग करता है, एक्ने को दूर करता है, डार्क लिप्स को भी नेचुरली लाइटन करता है। हमारा पैक तैयार है। आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है और 2 मिनट तक मसाज करते रहना है। बेकिंग सोडा स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है, एक्सेस ऑयल को जो है रिमूव करता है। लेमन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये डार्क स्किन को वाइटन और ब्राइटन करता है। दो मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करते रहे, 20 मिनट तक लगाए रखे और उसके बाद में वॉश कर ले। फ्रेंड्स, आप डिफरेंस देख सकते हो, ये कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है और कितना ज़्यादा लाइटन लग रहा है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस रेमेडीज को जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट से बताना ना भूले। फ्रेंड्स, अगर आप और भी कोई ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दे ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं और विशी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।